देवी पद देखिए धर्म पत्नी होती है, धर्म की जो परायणता दे, धर्म के लिए प्रेरणा दे, जो पाप के लिए प्रेरणा दे वह पापिन होती है, कभी धर्म पत्नी नहीं होती। देखे हैं पिता के, अपने पिता को धर्म पिता कभी कहते हैं, दूसरे के पिता को कहते हैं, धर्म भाई दूसरे के भाई को कहते हैं, कहते हैं माता धर्म माता दूसरे के मां को कहते हैं। रास्ता में आप जा रहे हैं, भीड़ बहुत भारी है, बस में चढ़े हुए हैं, यदि कोई आ गई तो आप माता के समान तो बोलेंगे, खड़े हो जाएंगे सीट से और बोलेंगे माता जी आप बैठ जाइए, वो बोलेगी नहीं बाबू, आप बोलेंगे अरे मैं आपका धर्म का बेटा हूं, धर्म वहां लगता है ठीक है, लेकिन पत्नी ऐसी चीज होती है कि पत्नी में धर्म केवल अपने पत्नी के साथ लगता है, दूसरे को नहीं बोल सकते हैं धर्म पत्नी, बोलेंगे बोलेंगे दूसरे की पत्नी को बोल देंगे धर्म पत्नी, माता को बोल सकते हैं दूसरे की माता को धर्म माता, दूसरे के पिता को बोल सकते हैं धर्म पिता, दूसरे के बहन को बोल सकते हैं धर्म बहन, दूसरे के भाई को बोल सकते हैं धर्म की भाई, लेकिन दूसरे की पत्नी को धर्म पत्नी नहीं बोल सकते हैं, जब बोलेंगे तो अपने को ही बोलेंगे। तो धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है जो पत्नी धर्म की प्रेरणा दे, धर्म की प्रेरणा दे, धर्म के लिए प्रेरणा देने वाली पत्नी ही धर्म पत्नी कहलाती है।